हाय गाइस, वेलकम बैक। वैसे थंबनेल देखकर आपको आइडिया हो ही गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। ये क्वेश्चन एक्चुअली एक बारी नहीं, मुझे बहुत 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 बारी जो है वीडियोस के नीचे आता है, और कल फिर से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, या दिनेश जी ने ये वाला क्वेश्चन पूछा था, तो मुझे लगा कि एक मैं वीडियो बनाकर आप सबको ये चीज बता ही देती हूँ, क्योंकि वैसे मैं उनको पहले जिसने जिसने भी क्वेश्चन किया मैंने आंसर किया है उनको, और मैं ट्राई करती हूँ जितने भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछो मैं सबके आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में ही दे दूँ। लेकिन कई बार कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो काफी बार पूछा जाता है, तो उसके ऊपर फिर सोचती हूँ कि वीडियो ही बना दूं, ताकि आप सब लोग, और भी हो सकता है कईयों के माइंड में ये वाला क्वेश्चन आता हो, तो आपको भी उसका आंसर मिल जाएगा। आप में से किस किस के दिमाग में ये वाला क्वेश्चन आता था प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर जरूर बताना। तो क्वेश्चन ये है कि बाबा रामदेव जो है वो कौन से सेंटर में रहते हैं, कहाँ पर वो मरीजों से मिलते हैं। पहले तो एक्चुअली वो सिर्फ जो है योगग्राम, जहां पर कि योगग्राम भी है और पतंजलि निरामयम भी है, पतंजलि योगग्राम एंड पतंजलि निरामयम वहीं पर ही रहते थे। लेकिन अब क्योंकि आने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, तो पतंजलि योगग्राम जहां पर है उससे 15-20 किलोमीटर आई थिंक इतना ही दूर होगा, मैं गई तो नहीं हूँ वहां पर वैसे, पर मैंने पता किया है कि 15-20 किलोमीटर पे ही जो पतंजलि वेलनेस सेंटर जो है वो खुला है, तो मुझे पता कि खुला हुआ है। लेकिन पतंजलि योगग्राम से कितनी दूरी पर है, अराउंड इतना ही होगा, 15-20 किलोमीटर की दूरी पर पतंजलि वेलनेस सेंटर हरिद्वार वो खुला है। तो अब क्या है, अब बाबा रामदेव जो है हफ्ते में, पहले तो होता था कि 5 दिन, जब नया नया पतंजलि वेलनेस सेंटर खुला था हरिद्वार में, तो वहां पर रहते थे अराउंड 5 डेज, और 2 डेज तो जो है वो पतंजलि योगग्राम में रहते थे, जहां पर की पतंजलि निरामयम भी है। तो पतंजलि निरामयम के पेशेंट्स जो है वो भी क्या होता है कि पतंजलि योगग्राम में जो योग भवन है वहीं पर योग करने जाते हैं, लेकिन बाकी थेरेपीज जो है उनकी पतंजलि निरामयम में इन हाउस ही होती है, ठीक है। और पतंजलि योगग्राम जो हरिद्वार है उसकी थेरेपीज के लिए अलग थेरेपी सेंटर्स बने हुए हैं। तो अब क्या है, अब आजकल क्या हो रहा है, ठीक है, आजकल के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। आज है 7 जनवरी 2023, और आज के सिनेरियो के हिसाब से ये है कि बाबा रामदेव जो है अराउंड 4 दिन जो है वो पतंजलि वेलनेस सेंटर हरिद्वार में रहते हैं, और 3 दिन के करीब वो पतंजलि योगग्राम हरिद्वार में रहते हैं। जब वो पतंजलि योगग्राम रहते हैं तो पतंजलि योगग्राम और पतंजलि निरामयम के जो पेशेंट्स हैं उनको वो मिलते हैं, और जब वो पतंजलि वेलनेस सेंटर हरिद्वार में रहते हैं 4 दिन के लिए, तो वो वहां के मरीजों से मिलते हैं। तो ये तो ऐसे होता है कि अगर आप 1 वीक के लिए गए हो, 1 वीक या 10 डेज के लिए वहां पर एक सेंटर पे गए हो, तो वहां पर आपको ऐसा हो ही जाएगा कि आपको उनका आशीर्वाद मिल ही जाएगा, आप उनसे मिल ही पाएंगे। और अगर जैसे हम लोग 3 दिन के लिए गए थे, है ना, जैसे मैंने आपको पिछली वाली वीडियोस में भी बताया कि मैं पतंजलि निरामयम में गई थी, पतंजलि योगग्राम निरामयम में गई थी, तो वहां पर मैं 3 दिन के लिए गई थी। वहां पर ऐसा हुआ था कि 2 दिन तो ऐसा हुआ था कि वो थे ही नहीं वहां पर, और 1 दिन जो है हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि हम उनके सामने बैठकर योग कर सके योग भवन में, लेकिन उनसे मिलने का नहीं हुआ हमारा। हाँ, अगर बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा बीमारी है, तो वो जरूर मिलते हैं, बट जहां तक मुझे लगता है कि आजकल उन्होंने ये स्टार्ट किया हुआ है कि वो सबको ही आशीर्वाद तो जरूर देते हैं पर्सनली, क्योंकि सबको ये इच्छा होती है कि हम उनसे पर्सनली मिले, चाहे 1 मिनट के लिए क्यों ना मिले। तो अभी बस यही कहना चाहती थी कि 4 दिन वहां रहते हैं और 3 दिन यहाँ रहते हैं, यही ज्यादातर यही उनका शेड्यूल है ना। लेकिन क्या होता है कि कई बार अगर वो कहीं बाहर गए हैं, जैसे वेदा लाइफ सेंटर है एक, तो वहां पर भी अगर वो गए हैं एक आधा दिन वहां लगा लेते हैं, पर वहां बहुत रेयर जाते हैं वो। और जैसे कहीं और गए हैं, कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई मीटिंग है, तो उसके लिए अगर वो जाते हैं तो वो कई बार पतंजलि वेलनेस सेंटर में भी नहीं होते, पतंजलि योगग्राम में भी नहीं होते। तो जहां पर भी होते हैं, वो बॉम्बे में होते हैं, बेंगलोर में होते हैं, वहां से उनका लाइव टेलीकास्ट आता है। तो मैं एक्चुअली सुबह उठ जाती हूँ, तो इसलिए क्या होता है कि जो आस्था चैनल पर आ रहा होता है, योग तो सुबह करना ही होता है, एक्सरसाइज सुबह करनी होती है, तो जो आस्था चैनल पर आ रहा होता है 5 से 7:30 बजे तक, वो ऑलमोस्ट, ये नहीं है कि पूरा, कभी 5 बजे उठे तो 5:30 बैठ गए लगा लिया, 5:30 उठे तो 6 बजे लगा लिया, मतलब ऐसा कोई बहुत पर्टिकुलर नहीं हो कि 4:30 बजे उठकर मुझे 5 बजे लगाना ही है, बट सुबह 7:30 बजे तक जो है टीवी पर हम वही लगाकर रखते हैं। तो उससे क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज देखते हैं तो अच्छा कुछ सुनने को मिल ही जाता है, जो हम अपनी लाइफ में उसको हम ला सकते हैं, या फिर एक मोटिवेशन भी मिलती रहती है कि आपके सामने योग हो रहा है,
तो आप अभी करते रहते हो, योग को करते रहते हो, एक्सरसाइजेस कुछ भी ना, कुछ ना कुछ जो है चलता ही रहता है अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। तो 1-1.5 घंटा 2 घंटे जो भी मैं करती हूँ, तो मैं ट्राई करती हूँ कि आस्था चैनल लगाकर ही करूँ। तो मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आती है, आई थिंक आप सबको भी ऐसी ही फीलिंग आती होगी, जैसे मैं गई थी और वहां पे नहीं मिल पाई, तो मुझे इस तरह से नहीं हुआ कि वो मैं नहीं मिल पाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो उनको हर रोज ही मिलती हूँ सुबह टीवी पर। तो मतलब ऐसा कुछ फीलिंग होती है मेरे को। बट आपके क्वेश्चन का आंसर आई थिंक मैंने कर दिया है कि अगर आप 1 वीक के लिए दोनों में से किसी भी सेंटर में रहोगे, तीनों में से किसी भी सेंटर में, पतंजलि योगग्राम में, पतंजलि निरामयम में, या फिर पतंजलि वेलनेस सेंटर हरिद्वार में अगर आप रहोगे, तो 99% चांसेस ये हैं कि वो आपको 1 हफ्ते के अंदर तो ऐसे होता है कि एक बारी वो आपको मिल ही लेंगे। और अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, बीमारी बहुत बड़ी है, तो पर्टिकुलरली जैसे जिनको थोड़ी सीवियर प्रॉब्लम्स होती हैं उनको तो वो पर्टिकुलरली मिलते ही हैं, और अपनी तरफ से कुछ और मेडिसिन भी सजेस्ट करते हैं या फिर जो भी थेरेपीज वगैरह है वो सजेस्ट करते हैं। लेकिन वहां पर जो डॉक्टर्स है तीनों सेंटर्स में, मुझे पता है, जैसे मैं आप गई थी पतंजलि निरामयम में, तो सारे डॉक्टर्स हैं, जो सारे थेरेपिस्ट हैं, सब वेल मतलब कि ट्रेन्ड हैं, प्रॉपरली अच्छी आपको मेडिसिन देंगे, अच्छी गाइडेंस देंगे, तो वो भी ऐसे लगता है कि जैसे उनके सानिध्य में रहकर ही सब कुछ हो रहा है। बट जहां तक मिलने की बात है उनसे डायरेक्टली, तो वो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बता दिया है। आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन उठता है, तो आप जरूर जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं ट्राई करूंगी आपके सारे कमेंट्स के आंसर करने का। अगर वहां पर दे पाऊंगी तो वहां पर, अगर ज्यादा पूछा जाएगा क्वेश्चन तो फिर मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो, लाइक के बटन को जरूर जरूर प्रेस कर देना, बिल्कुल मत भूलना। मेरे चैनल को आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लेना, इसी तरह की वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ। मैं लाती हूँ वीडियोस योग पर, होम ऑर्गेनाइजेशन पर, और अपने ऊपर टेरेस पर जो मैंने अपना ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का एक गार्डन बनाया हुआ है उसके ऊपर। तो टेरेस गार्डनिंग पर, होम ऑर्गेनाइजेशन पर और योग पर ज्यादातर मेरी यही वीडियोस होती हैं। और आई होप अच्छा लग रहा है आपको मेरा चैनल, इसका कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। चलो करते हैं अब गुड बाय, जल्दी ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब लोग अपना बहुत 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 ध्यान रखना। बाय फ्रेंड्स।